एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि दूषिम एक्यों को कहती है कि वो जितना हो सके सवालों के सही जवाब दे और मैं सारे सवालों के गलत जवाब दूंगी। जिस पर एक्यों कहती है कि सवालों के गलत जवाब देना इतना भी आसान नहीं, मैं ही लास्ट आ जाती हूँ, जो कुछ भी हो मैं नहीं मरने वाली। जिस पर दूषिम उसे बताती है कि इलना भी यही कहता था, लेकिन वह बुरी आत्मा बहुत ताकतवर है। वो तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करके तुम्हें कंट्रोल करती है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बुरी आत्मा का सुनकर एक्यों डर जाती है और दूषिम को उसे बचाने का कहती है। इधर प्रिंसिपल उन दोनों को देख रहा होता है। जब दूषिम जा रही होती है तो भूषु उसे मिलता है और पूछता है कि कहीं तुम मेरी पीठ पीछे कोई प्लान तो नहीं बना रही। तो दूषिम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भूषु उसे उसकी आंखों में देखने को कहता है। जब वह उसकी तरफ देखती है तो भूषु उसे कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तो दूषिम कहती है, दफा हो ठरकी कहीं के, पीछे खड़ी सुजोम ये सब देख रही होती है। वो भूषु के पास आती है और कहती है कि तुमने मुझे क्या कर दिया है, मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझे बार बार ठंड भी लग रही है। मुझे पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी जब तुमने मुझे अपने घर बुलाया था, मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या तुमने ये सब दूषिम के कहने पर किया था? तो भूषु कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद दिखाते हैं कि प्रिंसिपल टीचर से पूछता है कि तुम बच्चों को लेकर बेसमेंट में एक आत्मा को देखने गए थे। तो टीचर कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बुरी आत्मा है। हमें इस आत्मा को पकड़ना चाहिए, चाहे स्कूल ही क्यों ना बंद करना पड़े। यह सुनते ही प्रिंसिपल गुस्से में आ जाता है और टीचर का गला दबाता है कि तुमसे अच्छी तो वो आत्मा है जो बच्चों को पढ़ने पर मजबूर कर रही है, और तुम बेकार इंसान सही से पढ़ा नहीं सकते। फिर वो टीचर को वहाँ से दफा हो जाने को कहता है। रात को भूषु दूषिम से मिलता है तो दूषिम उदास बैठी होती है। जब भूषु पूछता है तो वो कहती है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, क्या हम उसमें कामयाब हो सकेंगे? वैसे भी किसी को पता भी नहीं होगा कि हमने क्या किया। जिस पर भूषु कहता है कि क्या तुम लोगों की वाही बटोरना चाहती हो? तो दूषिम कहती है कि नहीं, मेरे लिए बुरी आत्मा को पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर वूशु उसे इलनम के पास ले जाता है, जहां उसकी मॉम कहती है कि हॉस्पिटल का बिल बहुत ज़्यादा है, वो और इलाज नहीं करवा सकती। जिस पर दूषिम कहती है कि बस कुछ देर और रुक जाए, इलनम जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये सुनकर इलनम की मॉम रोने लगती है और दूषिम को गले लगा लेती है। जब दूषिम घर जा रही होती है तो सोचती है कि मैं अकेले ही उस बुरी आत्मा का सामना करूँगी। फिर पलट कर वूशु को गले लगा लेती है और किस करती है। फिर सोचती है कि ये मेरी पहली किस है और आखिरी भी हो सकती है। अगले दिन एग्जाम के दौरान दूषिम और एक्यों अपनी आंसर शीट एक्सचेंज करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कर नहीं पाती। ब्रेक टाइम एक्यों परेशान होती है तो वूशु से कहता है कि जब तुम्हें पता है कि तुम मरने वाली हो तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए था। दूषिम उसे रोकती है तो एक्यों कहती है कि मेरे डैड वुशु के डैड की कंपनी में काम करते हैं और वुशु के डैड अपने एम्प्लॉय के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, ये भी अपने डैड जैसा ही है। ब्रेक के बाद अगले टेस्ट में जब वो दोनों फिर से आंसर शीट एक्सचेंज करने लगती हैं तो वुशु टीचर को कहता है कि कोई चीटिंग कर रहा है और वो फिर से रह जाती हैं। टेस्ट के बाद जब वो दोनों अपने आंसर चेक करती हैं तो दूषिम के ज़्यादातर सवाल ठीक होते हैं और एक्यों के ज़्यादातर सवाल गलत होते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल टीचर को दूषिम की आंसर शीट तब्दील करने का कहता है। जब टीचर मना करते हैं तो प्रिंसिपल कहता है कि मैं दूषिम को मौका दे रहा हूँ कि वो ये साबित करे कि स्कूल में बुरी आत्मा है। अगले दिन टीचर रिजल्ट देखकर हैरान रह जाते हैं। जब वो क्लास में एंटर होते हैं तो एक स्टूडेंट सबसे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट का पूछता है तो टीचर वोशु को कहते हैं कि ये सब क्या है, और फिर चिल्ला कर कहते हैं कि तुम्हारे मार्क्स सबसे कम कैसे आ सकते हैं। फिर वोशु दूषिम की तरफ देखता है और सोचता है कि मैं अकेले ही उस आत्मा का सामना करूँगा, और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है।